नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज मैंने अपनी बालकनी को और थोड़ा कलरफुल बनाया है। एक सुंदर सा DIY आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज का मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के खिले हुए फूल। बादलों की भी अपनी ही खूबसूरती होती है और उनके साथ सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा ये दृश्य है। देखिए दोस्तों, झमाझम बारिश हो रही है, बहुत तेज़, एकदम से तेज़ बारिश आ गई है। तो आज बारिश में मैं एक सुंदर सा DIY बनाऊंगी, बहुत ही कलरफुल बना देगा बालकनी को। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं और बिल्कुल कुछ भी इसमें खर्चा नहीं करना है। वेस्ट जो हमारी खाली बोतल होती है उसी से मैं ये आज बनाऊँगी। और साथ ही दिन में क्या आज मैं गार्डन में करूँगी, तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैं ऊपर चढ़ रही हूँ जाल को पकड़ के, ऊपर की बास्केट को देखने के लिए। इसमें पर्सलेन लगी है और आज सारे सफ़ेद ही फूल खिले हैं, पिंक कलर का एक भी फूल नहीं खिला है। और ऊपर से देखिए बोगनविलिया के फूल भी कितने सुंदर दिख रहे हैं। दोस्तों बास्केट्स को भी चेक करना पड़ता है बीच बीच में कि जैसे ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं एक्स्ट्रा पानी तो नहीं हो रहा है या फिर ज़्यादा सूख तो नहीं रही हैं, तो ये ऊपर चढ़ के ही मुझे पता चलता है। कुछ बास्केट्स तो नीचे से उतर जाती हैं लेकिन कुछ नीचे से नहीं उतर पाती हैं। अभी मैं जल्दी से कुछ पौधों में पानी दे दूंगी जिनमें ज़्यादा मिट्टी सूख रही है, क्योंकि मैंने कई दिनों से पानी नहीं दिया है, बारिश हल्की हल्की हो ही रही है और लेकिन बारिश इतनी आती नहीं है बालकनी में, तो कुछ पौधे हैं जो सूख रहे हैं तो उनमें जल्दी से पानी दे दूंगी। यहाँ पे मैं कुछ आलू लगा रही हूँ, एक गमला मेरे पास है, बड़ा गमला है 14 इंच का। ये आलू ऐसे अपने आप ही उग रहे हैं आजकल, तो इनको देख के मेरा कई दिन से मन कर रहा था कि मैं आलू भी लगाऊं। अब जगह इतनी है नहीं लेकिन मन बहुत करता है सब चीज़ लगाने का। तो ये काफ़ी बड़ा है, 14 इंच का गमला है, देखते हैं इसमें कैसे आलू चलेंगे और कैसे निकलेंगे। तो जल्दी से इसमें मैं मिट्टी भर लेती हूँ। देखिए दोस्तों, चाहे तो इसको काट के भी हम लगा सकते हैं, काट के भी आलू उग जाते हैं, लेकिन इतने बड़े आलू को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे आलू होते हैं उनसे ही बहुत अच्छे से आलू ग्रो होंगे। बीज के लिए छोटे आलू ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो छोटे छोटे आलू जो हैं 2-3 वो मैं इसमें लगा दूँगी इस गमले में बस। We'll be right back.
यहाँ पर एक शकरकंदी पड़ी है मेरे पास जो सूख गई है, इसको भी मैं लगा देती हूँ, देखती हूँ ये ग्रो होती है या नहीं। तो दोस्तों अब मिट्टी वाला काम तो हो गया है, अब मैं बनाऊंगी बैठ के एक सुंदर सी चीज़ बालकनी के लिए। इसके लिए मैंने बोतल ली है, एक बोतल है मेरे पास, उसको ही मैं काट के उसके बीच ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा अलग कर लिया है, और बीच का जो हिस्सा होता है उससे मैं सर्किल काट रही हूँ। इसमें से जितने भी सर्किल निकलेंगे उतने हम सर्किल बना लेंगे गोल गोल। तो यहाँ पर मैंने देखिए सर्किल काट लिए हैं बीच में से सारी जो बोतल थी गोल गोल, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको अलग कर लिया है, जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको अलग कर लिया है। अब मैं इन पे कलर करूँगी, अपने मन चाहा कलर करें जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। एक्रेलिक कलर अगर हम उसको अच्छे से सुखा लें 2-3 दिन तो फिर बिल्कुल भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, बहुत अच्छे से ये रहता है, लेकिन आपको अगर बिल्कुल पक्का कलर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ पर मैंने रेड कलर किया है और कुछ पर येलो कर रही हूँ। देखिए दोस्तों सभी पर मैंने कलर कर लिया है और ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है एक्रेलिक कलर, तो सूख गया है ये। अभी जो नीचे वाला हिस्सा है इस पर मैं दूसरे किसी भी कलर से थोड़ा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। जो सर्किल है उस पर भी इसी तरह से कुछ भी डिज़ाइन बना लेंगे। मैं बोतल के ऊपर वाले हिस्से पर भी अपने मनपसंद जो भी डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं सिंपल सा इस तरह से ये तो यहाँ पर मैंने सब पे कलर कर दिया है। अभी ये थोड़ी देर में सूख जाएंगे, तब तक मैं अपने हाथ साफ कर लेती हूँ जो कलर में पूरी तरह से हो गए हैं, फिर तो उसके बाद आगे का काम करूँगी। यहाँ पर मैं इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है बोतल का उसमें नीचे एक लेस लगा रही हूँ जो मेरे पास रखी थी ऐसी पुरानी, काफ़ी दिन से पड़ी थी, तो नीचे की साइड में इसको मैं लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा और सुंदर लगे। कोई भी पुरानी इस तरह की लेस आपके पास पड़ी हो तो आप लगा सकते। देखिए दोस्तों इसमें नीचे मैंने ये लेस लगा दी है और 2 मिरर पड़े थे मेरे पास, तो इधर उधर ये 2 मिरर चिपका दिए हैं और 2 ये मोती लगा दिए हैं। अगर आपके पास मिरर एक्स्ट्रा हो तो कई मिरर इस पर चिपका सकते हैं तो और ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। और ऊपर भी मैंने एक पतली सी लेस चिपका दी है इस पर, तो ये बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये बोतल का ऊपर का हिस्सा है, बहुत ही सुंदर लगने लगा है ये। इस फूल पर भी मैंने मिरर लगा दिए हैं दोनों तरफ, और बीच में छोटे छोटे मोती से वो डाल दिए हैं तो ये चिपक गए हैं अच्छे से, तो ये भी एक बहुत ही सुंदर फूल लग रहा है। अब मैं इनमें छेद करूंगी और सबको एक दूसरे के साथ बांध दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ।
देखिए दोस्तों, सबको एक दूसरे के साथ इस तरह से बांध दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कलरफुल लग रहे हैं बालकनी में। किसी भी जगह को कलरफुल बनाना हो तो ये बहुत ही बढ़िया और सुंदर आइडिया है और बिल्कुल कुछ भी इसमें खर्चा नहीं है। तो पूरे दिन की मेहनत ज़रूर लगी, लेकिन इनको देख के इतना अच्छा लगता है। कुछ भी मेहनत करो और फिर उसको जितनी बार भी अब मैं बालकनी में जाऊँगी, इनको देखूँगी, तो बहुत ही खुशी मिलेगी। तो ये एक बोतल में से तीन बन गए हैं दोस्तों और पूरी बालकनी को इन्होंने कलरफुल बना दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और आपको कैसे लगे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो लाइक करिए और गार्डन की डेली अपडेट देखने के लिए चाहे वो सब्सक्राइब कीजिए। आज पूरे दिन यही काम किया मैंने, तो चलिए मिलती हूँ कल। तब तक के लिए बाय, जय सिया।